नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में स्वागत है। जौनपुर में देसी शराब फैक्ट्री टपरी सहारनपुर से अल्कोहल की चोरी व डुप्लीकेट बार कोड के जरिए करोड़ों की हेराफेरी के मामले में गुरुवार को विशेष अनुसंधान दल एसआईटी ने शराब गोदाम पर छापा मारा। गोदाम के अंदर देर शाम तक अभिलेखों व स्टॉक की जांच चलती रही। सुरक्षा की दृष्टि से बाहर पुलिस व पीएसी का पहरा रहा। इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में खलबली मची रही। विशेष अनुसंधान दल ने टपरी स्थित देसी शराब की फैक्ट्री से करीब 35 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला पकड़ा है। इस मामले में प्रदेश के कई जनपदों में भी अल्कोहल की चोरी व डुप्लीकेट बार कोड के जरिए करोड़ों की हेराफेरी पर जांच की जा रही है। जिले के भी लाइसेंसी की संलिप्तता होने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से शराब माफियाओं के ट्रकों से करोड़ों का अल्कोहल मंगाने की बात सामने आ रही है। चर्चा है कि इसी मामले में एसआईटी ने जांच करने के लिए खरका कॉलोनी स्थित गोदाम पर छापा मारा है। हालांकि टीम के सदस्यों को कुछ भी बताने से मना कर दिया। उधर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि लखनऊ से स्पेशल टीम आई है। टीम की मांग पर पुलिस व पीएसी भेजी गई है। कर्मचारियों के नाम लाइसेंस लेकर अवैध कारोबार में संलिप्त हैं कई सफ़ेदपोश। जनपद जौनपुर में लंबे समय से डुप्लीकेट बार कोड पर लाखों की हेराफेरी हो रही है। इस खेल में कई सफ़ेदपोश भी शामिल हैं जो अपने कर्मचारियों के नाम पर लाइसेंस लेकर कई प्रांतों में पर्दे के पीछे से सिंडिकेट चला रहे हैं। विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की भी अहम भूमिका है। विभागीय सूत्रों के अनुसार शराब कारोबारी ने एक कर्मचारी के नाम से CL2 का लाइसेंस निरस्त होने के बाद दूसरे कर्मचारी के नाम पर जौनपुर आजमगढ़ में 50 लाख रुपए शुल्क जमा कर 2 CL2 का लाइसेंस लिया। इन लाइसेंस पर 2 करोड़ से अधिक का शराब की खरीद भी हुई। मामूली वेतन पर काम कर रहे कर्मी के पास इतनी रकम कहां से आई, इसकी भी जांच की जा रही है। एसआईटी के नकेल कसने पर यह कारोबारी सत्ता के सहारे अपनों को बचाने में जुट गए। जौनपुर विशेष अनुसंधान दल ने देसी शराब फैक्ट्री टपरी सहारनपुर से एक ही बिल्टी व गेट पास पर 2 बार शराब लदी गाड़ी निकालने व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आबकारी गोदामों पर आपूर्ति किए जाने के मामले में आबकारी निरीक्षक सदर समेत 3 के खिलाफ नोटिस जारी की गई थी। एसआईटी लखनऊ के विवेचना अधिकारी ने 10 अप्रैल को नोटिस भेजकर आबकारी निरीक्षक सदर श्याम कुमार गुप्त, प्रधान आबकारी सिपाही सुजाउद्दीन व आबकारी सिपाही लक्ष्मी शंकर मिश्र को समस्त अभिलेखों के साथ पूछताछ के लिए तलब किया था। शराब गोदाम पर हुई कार्रवाई के बारे में आबकारी विभाग के अधिकारी कुछ भी बताने से कतराते रहे। जिला आबकारी अधिकारी से CUG नंबर पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अवकाश पर हूँ, नगर के इंस्पेक्टर चार्ज में है। नगर के इंस्पेक्टर ने न तो फ़ोन उठाया और न ही व्हाट्सएप पर कोई जवाब दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर।